एक्स्ट्रा हो जाएंगे वो, पर मैंने लिखा है यहाँ पे ड्यूरेशन सैलरी लिखा है, मतलब रात को 12 बजे बैठे तो मेहनत करना था, मैंने क्या करूँगा क्या करूँगा, मालूम था यहाँ तो क्या है 2 साल घूम रहे थे, तो मैंने पहले ही 2 महीने का रेंट पर टैक्सी कर लिया था मालूम था, बट इतना ही 5 साल एक्सपीरियंस ही चीज से पढ़ने मॉनिटर कैसे होता है, मेरी एक ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी होती है, एक कंट्रोल स्ट्रैटेजी होती है, अगर मैं उस पर चर्चा करने लगता हूँ तो मान ली आपको बोलोगे भाई सब क्या बन गया काम आ जाए, तो मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि आई अंडरस्टैंड द यू नो द पल्स ऑफ इन्वेस्टर की वो चाहता क्या है, एक बेसिकली एक फाइनेंस के सेशन में वो चाहता है कि यू नो व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है, यू नो दैट्स व्हाट यू आर इंटरेस्टेड अबाउट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द जागे जगह टॉपिक, इक्विटीज पे चर्चा करते हैं, जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड इक्विटी एट अ मच लेवल, आपको अब ये हर्ष ये खुश है ना, खुश था खुश ना अभी ना मैंने चर्चा करी थी हम इक्विटी से डरते हैं, ठीक है, तो टॉक अबाउट अ बिट ऑफ इक्विटी, इक्विटी क्या है, इक्विटी क्या है, इक्विटी बिजनेस, इक्विटी मींस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, अब अगर बिजनेस नहीं होता तो नौकरी से सैलरी मिले, अगर अच्छा सर आपको एक जमीन बताता हूं, 1.5-2 बीघा जमीन है और 10,000 रुपए बीघा जमीन, 10,000 रुपए बीघा की जमीन, 10,000 रुपए बीघा लेना पसंद करेंगे, मैंने आपसे एक ही प्रश्न पूछा लेना पसंद करेंगे, आपको 10,000 बीघा जमीन बता रहा लेना पसंद करेंगे, साहब बोल रहे ले लेंगे, जमीन मालूम है कहां पर है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेंगे, राजस्थान में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे लेंगे, कितनी सस्ती क्यों ना, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो जमीन की कोई कीमत ही नहीं है, उसका कोई वकत ही नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पर काम हो ही नहीं सकता, वहां पर काम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर बिजनेस कर ही नहीं सकता, तो मतलब वो जमीन की कीमत देने वाला कौन है, बनस्थली की जमीन जयपुर से महंगी है सस्ती है, इस एरिया की जमीन सस्ती सस्ती है, जयपुर की जमीन दिल्ली से सस्ती है, क्यों, जमीन तो जमीन ही, जमीन तो जमीन ही है, तो किन चीजें क्या फर्क पड़ेगा, क्यों मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी जाता है, तो घूम फिर के कौन है जो चला रहा है इस चीज को, इस फाइनेंस को, और हम उस बिजनेस से घबरा रहे हैं, हम सोचते हैं जी ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम सोचते हैं वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट बर्बाद है, पूरी सिस्टम को चला सूर्य को पड़ी लेते, सूर्य है जो पूरी सिस्टम को चला, हम सूर्य को निकालना भूलते हैं, कितनी ग्रहण आपकी जरूरत है, चंद्रमा अच्छा लगता, चंद्रमा को रोशनी बस्ती तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, जब आप इक्विटी से घबराते हैं, इक्विटी में निवेश ना करके आप जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क होगा, नॉट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट मींस व्हेन यू हैव अ टाइम टू इन्वेस्ट, जब कुछ छोटा है और उसकी मम्मी पापा उसके लिए एफडी करा दे, उसके लिए कोई LIC की जीवन आनंद पॉलिसी या जीवन कोमल जीवन पॉलिसी या कोई ICICI का कोई चाइल्ड प्लान या LIC का कोई और कोई कंपनी का कोई प्लान ले ले या PPF में डाल ले या सोना खरीद ले, वो उसको पैसा वाला कभी नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि आप डिफेंसिव चाहते हैं, क्या आप चाहते हो डिफेंसिव का, अब मैं आपको मैंने कोई एग्जाम्पल पहले भी दिया था दोबारा दे देता हूँ, 1980 में सिर्फ 1980 में पैदा हुआ था, तो मेरे फादर ने मेरे लिए 1,00,000 रुपये और मेरी मदर ने मेरे लिए 1,00,000 रुपये, मदर ने सोने में और मेरे फादर ने सेंसेक्स में लगा दी,
सेंसेक्स क्या है? वो तो ऊपर नीचे रोलाना होता है, यस और नो? वो तो ऊपर नीचे रोलाना होता है, ठीक है ना? उसको तो सेंसेक्स बेसिकली हमारी पूरी इकोनॉमी का एक बैरोमीटर है। टेम्परेचर उसके इकोनॉमी के मुंह पे लगा दिया और टेम्परेचर ना पड़े, टेम्परेचर तेज है, टेम्परेचर कम है, वो बैरोमीटर जो है वो है सेंसेक्स, निफ्टी कह लो, ठीक है, एनएससी। पर आप सेंसेक्स हम ज्यादा सुनते हैं, सेंसेक्स की चर्चा। तो 1980 में सेंसेक्स 100 का था, कितने का? और सोना 1500 का। आज सोना कितना है? 30,000। कितने गुना? 20,000। सेंसेक्स का है 30,000, कितने गुना? 300। हम क्या बोल, हम किस में कर सकते? हम सोना लेके सालों साल अपने पास रखते हैं, सालों साल अपने पास रखते हैं, लेडी रखती है, जेंट्स भी रखते हैं, ठीक, हमें वो फिजिकल चीज अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना? और हम उसको संभाल के डिगा करते हैं, और वो जो सेंसेक्स है उसके बराए करने के लिए उससे हम घबराते हैं, उसको हम निकाल देते हैं। उसने कितना रिटर्न बना दिया? उसने मेरे 1,00,000 रुपए को 3,00,000 कर दिया, और सेल और गोल्ड ने 1,00,000 को 20,00,000 कर दिया, यही हुआ। अब 1980 के 20,00,000 रुपए और 1980 के 1,00,000 रुपए और आज के 20,00,000 रुपए, ज्यादा फर्क है? आज 20,00,000 की कीमत है नहीं, उस समय 1,00,000 की साहब कितनी कीमत होती थी 1980 में? आज 20,00,000 की कीमत देखें आपका, तो मजीद आज 20,00,000 की दोनों फर्क क्या है? पहले लाखों में साल माने जाते थे, अब लाखों में महीने माने जाते हैं। डिफॉल्ट जो है वो महीनों में और साल में फर्क हो गया, तो हमारी कीमत कितनी बदल गई। तो जब हम निवेश करते हैं तो हम डर कर निवेश करते हैं, हम आज की प्रगति आज के वातावरण को लेकर निवेश करते हैं, वो सेंसेक्स को फ्लक्चुएटिव है। सेंसेक्स से घबराते क्यों है? क्यों घबराते हैं? आपको इंटरेस्ट तो लेना है तो क्लास में लो, आपके पास सारे कैरियर अवेलेबल है, आप ऐसे शांत बैठे जैसे लग रहा है कि मेरी क्लास लाइक है। हां जी, प्रोसेस समझ में नहीं आता। बच्चा जब बीमार पड़ेगा तो उसको कौन सी दवा देनी समझ में आता है? गाड़ी जब खराब होती है तो कैसे गाड़ी ठीक होती समझ में आता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गाड़ी जब खराब होती है तो कैसे गाड़ी ठीक होती समझ में आता है? करवाते हैं, ठीक है। और ऐसी जिंदगी में एक के अलावा मोस्टली सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आती है, फिर भी हम करते हैं। हम यहाँ क्यों नहीं करते? इट्स नॉट अबाउट हम नहीं जानते हैं, हम जानना ही नहीं चाहते, समझ गए? फर्क बहुत है। हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, मैंने क्या बताया लास्ट में, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है वो हमारे आसपास के वातावरण से होती है, और आसपास वातावरण दूषित हो तो क्या हो? हम पूछते किससे हैं? अपने हस्बैंड से पूछ लिए। अब बच्चा कहा हो तो हस्बैंड से जाकर पूछो कि कौन कौन सी दवाई, या डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है? क्यों? क्योंकि हस्बैंड ये बताएगा तो यू गो टू डॉक्टर। सिमिलरली हमारी हम लोग क्या होता है पैसों के मामले में, सी एस एस एड मनी इज अ वेरी साइकोलॉजिकल गेम, मनी इज नॉट अ गेम ऑफ नंबर। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कुछ का, एक चॉकलेट वाला, नंबर से क्या है आप इंटरनली उसको कैसे कंसीव करते हो, कैसे उसको परसीव करते हो, परसेप्शन क्या है वो आपको, आपका परसेप्शन ये है। अच्छा, मोदी ने 2014 के इलेक्शन में क्या ये बोला था कि ऐसा ऐसा होगा, क्या ये परसेप्शन था? आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता था क्या मोदी का एज अ प्राइम मिनिस्टर? आपको मतलब, मैं मानता हूँ इंडिया ने वोट अमूमन किया है तो हमारी भी मेजोरिटी है, मैं इंपॉर्टेंस में नहीं पड़ रहा कि ये मोदी के खिलाफ है, ये मोदी के साथ है, मैं बोल रहा हूँ अमूमन इंडिया ने मोदी को चुना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो अमूमन यहाँ पे 70% लोगों ने शायद मोदी को चुना हो, राइट? मैं मजबूत नहीं है। Now I'm saying that 70% people in public have did Modi have a track record of being a good prime minister? No, he
ही वाज अ नेवर अ प्राइम मिनिस्टर, फिर हमने उसको चूज क्यों किया? उसने उसने परसेप्शन बनाया, उसने परसेप्शन बनाया अच्छे दिन आएंगे, कोई तो परसेप्शन बनाया, और हम उस परसेप्शन से ड्रिवन है, हम उस परसेप्शन से ड्रिवन है, ह्यूमन जो माइंड है उस परसेप्शन से ड्राइव है, ठीक है ना। सिमिलरली आप इस परसेप्शन से ड्रिवन हो कि सेंसेस जो है, इक्विटी जो है वो बेकार का शुरू, यस और नो, एग्री और नॉट, यस और नो, बाय एंड लार्ज वी से दैट सेंसेस इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ज्यादातर बोलेंगे, ठीक है। तो ये करके हमने परसेप्शन बना लिया है कि वो है, और हमने परसेप्शन ये बना लिया कि एफडी सेफ है, उसका नतीजा क्या होता है वो हमें लंबे समय काम करके मालूम पड़ता है कि तकलीफ क्या है, क्योंकि जिसे वर्क इन्फ्लेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर एक बात बताए, मैं अगर इक्विटी की परिभाषा को दूसरी तरह समझाता हूं, सर भारत में आज से 10 साल बाद गाड़ियां ज्यादा चलेंगी कम चलेंगी? ज्यादा। इंडिया में 10 साल बाद एसी ज्यादा चलेंगे कम चलेंगे? बाद कंप्यूटर्स ज्यादा होंगे आज से 10 साल बाद इंडिया में? आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा? इंडिया में कंप्यूटर ज्यादा होते हैं, चलिए मोबाइल फोन ज्यादा होते हैं, मोबाइल फोन में कंप्यूटर है, उसका भी एग्रीगेटर होता है, तो ये मिनी कंप्यूटर हो ज्यादा होंगे, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो अगर ज्यादा गाड़ियां होंगी, ज्यादा क्या बोलते हैं एसी होंगे, या ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चर होंगे, तो क्या उनके पास ज्यादा बिजनेस नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो 10 साल बाद इंडिया का बिजनेस डाउन होगा कि ज्यादा होगा? आप कहां लिखा है? कहां लिखा है? एकदम सब लोग बोले ज्यादा होगा, कहां लिखा है? कहां लिखा है? तो अब ये मानते हैं, इसको मैंने एक लेख लिखा था कि हम जानते सब कुछ पर मानते नहीं, हम जानते हैं कि इंडिया का भविष्य आने वाले समय में अच्छा होगा, बिजनेस ज्यादा होंगे, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, सब कुछ ज्यादा होगा, यस और नो? आज से 15 साल पहले थर्ड एसी का टिकट कितने लोग बुक कराते थे? फिर कितने कराते थे? कहां कराते थे? और आज अगर आप टिकट बुक कराते हो तो ही थर्ड एसी का कराते हो? ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इंप्रूव हो रही है। बिस्लेरी की आपने किसने चर्चा करी थी? आपने बिस्लेरी की बात करी, उसको बनाया था किसने? आपने चर्चा की। आज से 15 साल पहले हम कैंपर लेके जाते थे पूल के, मैं तो बचपन में पूल नहीं पाया, 15 किलो का, ये सुन लो कितने लोग के घर में पूल के ग्लास के जाते, पूल के लेके जाते हैं हम लोग ट्रैवलिंग में। हां जी, अब ट्रैवलिंग में लेके भी जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में ही ऑलरेडी आ गया है वो पूल बॉक्स। बट पूल बॉक्स, मैं कहता हूं कितने लोग पूल के लिए जाते हैं आजकल, कैंपर कितने लोग ट्रैवल करते हैं? मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं, ट्रेन में हम बिस्लेरी ले लेते हैं, ये सुन लो कौन सा देश अमीर है? इंडिया की यूएस, यूएस क्यों? बिजनेस ज्यादा है, कौन लाइफ दे रहा है, कौन उसको बढ़ा रहा है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ा रही है, और हम जब बिजनेस में पार्टिसिपेट करें कि उससे भागे, हम उससे भागते हैं इन्वेस्टमेंट के मामले। ये हमने परसेप्शन बना रखा है हमारे माइंड में कि हमें इक्विटी में नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। अब आप समझिए, इंडिया की 65% पॉपुलेशन 30 साल से कम है, ये तो स्टैटिस्टिक्स आप लोग जानते होंगे, स्कूल इंडस्ट्री से, एजुकेशन इंडस्ट्री से, 65% पॉपुलेशन 30 साल से कम की है। व्हाट इज द सिटी माइंस सर? यस सर, यस सर, आप है, आपके लड़के हैं और पोता है, मान लीजिए, ठीक है। अब आप सब तीनों में से कपड़े ज्यादा कौन खरीदता है? सब पोता, आपके बेटे या आप, कपड़े कौन खरीदता है? मतलब किसके लिए आते हैं ऐसा पूछो, किसके लिए आते हैं?
बच्चों के लिए आई है। इन्होंने बड़ा ऑब्वियस आंसर दिया, बच्चों के लिए आई, मतलब आशीष व्हाट्स द साइंस फॉर इट, इट इज सो ऑब्वियस, ठीक है ना, बच्चों के लिए आई है। तो बच्चों के लिए आएंगे क्या मतलब, तो ये साल साल में एक या दो ड्रेस खरीदते दिवाली पे, वो ये खरीदते वैसा व्यास साहब के पोते की 6 ड्रेस आती आती होगी, और आपके जो पुत्र है वो 2-3 ड्रेस खरीदते, कोई प्रोफेसर पे जाते हैं, तो आप तो लाते नहीं है, वो बच्चे लाते हैं आपको, राइट। क्या हो रहा है, कंजम्पशन कौन कर रहा है, कौन कंजम्पशन कर रहा है, वो यंग यंग बच्चे कंजम्पशन कर रहे हैं। कंजम्पशन करने का क्या मतलब होता है, अगर वो शर्ट ला रहा है, वो अगर पैंट ला रहा है, वो अगर जूते ला रहा है, वो अगर गाड़ी ला रहा है, वो अगर एसी चला रहा है, वो अगर कुर्ती की जगह पिछले नहीं खरीद रहा है, तो उसका फायदा किसको हो रहा है, और हम थोड़ा किससे, हमारी मेंटालिटी, हमारा क्यों मेंटालिटी, हम भी बेसिकली जानवर है। इसकी एक स्टडी करी गई थी, आप उसे जब पूछ रहे, देयर इज अ बुक कॉल्ड थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल कैनेमन करके एक आदमी है, उन्होंने बुक लिखी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उनको नोबेल प्राइज मिला था, आप लोग मत लिखिएगा, मुझे मैंने बुक नहीं पढ़ी थी, मोटी सारी बुक, मैं इंटेलिजेंस शो कर रहा था, मैंने पढ़ी थी, कब पढ़ा इसका, और उसके दो चार यूट्यूब के वीडियो देखे, अब क्या आपको पता चला कि पुरानी निकाल दी है, मैंने तो बुक भी नहीं पढ़ी थी, क्या कितना बड़ी बात होगी, जैसा नो, और आज जब आपको उसके
3,500 आपको मिल रहे हैं तो उसकी कीमत ही क्या होगा? हम लोग इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन क्या होगा? इन्फ्लेशन होती है महंगाई होना। महंगाई कब होती है? महंगाई कब होती है? जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम। सिंपल सी बात है, चीजें महंगी कब होंगी? जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड किसकी? डिमांड पेन की, पेपर की, टेबल की, पानी की बॉटल की, एसी की, गाड़ी की, किसकी डिमांड ज्यादा है? इन सबकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। मतलब मैं अगर बिजनेसमैन हूं तो मैं जो चीज बना रहा हूं उसकी डिमांड ज्यादा है और मेरे से तो मेरी दुकान चलेगी चलेगी, यस और नो? तो इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो सबसे ज्यादा तो इक्विटी को फायदा होगा। अगर इन्फ्लेशन है तो डिमांड ज्यादा है तो उसका फायदा किसको होगा? उस मैन्युफैक्चरर को, जो कि आपको सप्लाई कर रहा है। बनाते आप 100 और जरूरत 150 की है तो क्या हो? 100 वाले की 100 वाला अपनी कीमत को ज्यादा बढ़ाएगा ना, तो जो बना रहा है उसको तो फायदा होगा ही होगा। अब मैं उसके साथ अगर पार्टनरशिप करता हूँ तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट। पर बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो तकलीफ मानो में क्या है, वो ऐसे होता है। जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है वो कुछ ऐसे होता है। हम चाहते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसे, हम चाहते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसे, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट ऐसे। हम इससे हम घबराते हैं, हम तकलीफ ये है उस रस्ते से घबराते हैं, हमें उस रस्ते से घबराते हैं क्योंकि ऊपर नीचे हो जाना। फिर क्या होता है, मार्केट में पेपर आता है सेंसेक्स बहुत राम निवेशक ने 2,00,000 करोड़ रुपए, ऐसा पेपर को सुना, पेपर में आता है जो भी आपका हिंदी का इंग्लिश का टेक टाइम से जो भी पेपर आता है उसमें आती है खबरें, सेंसेक्स गिना धड़ा निवेशक ने कोई 2,00,000 करोड़ रुपए, यस और नो? अभी क्या हुआ था, अभी जब दो रास्ते से दो तीन साल पहले की बात है, सोना एक दिन में 2,500 रुपए गिरा था। कितना गिरा था? लेडीज को याद है, स्माइल आ जाती है उस क्वेश्चन को देखकर, यस और नो? है ना, गिरा। पेपर में हमने देखा, न्यूज आई थी, सोना हुआ सस्ता, सोना हुआ सस्ता, उसने ये खबर दी थी कि निवेशों पर कितने 2,00,000 करोड़ रुपए। आप कैसे प्रसिद्ध कर रहे हो? पॉजिटिव। आप क्या कर रहे हो? भागो। यहाँ सोना, यहाँ सेंसेक्स हुआ गिरा धड़ाम, तो सेंसेक्स 19,000 का था वो 17,000 का हो गया, या नेक्स्ट ईयर सेंसेक्स 26,000 का था वो 24,000 का हो गया, और सोना 26,000 का था वो 24,000 का हो गया। हमारे रिएक्शन दोनों जगह कैसे हो? तो ये रिएक्शन देने वाला कौन है? आप, ठीक है ना? प्रकृति ने दोनों को डिस्काउंट किया। एक तरफ आप बोल रहे भाग कर पकड़ कर खरीदता हूं, क्यों? क्योंकि आप जब सोना खरीदते हो तो उसको किसी फाइनेंशियल गोल से लिंक किया बैठा, यस और नो? मैं अपनी डॉक्टर के लिए खरीद रहा हूँ, मैं अपनी आने वाले इसके लिए, अभी आपने बोला मैं ऐसा कुछ, है ना? तो हम बेसिकली उसको गोल को लिंक करते हैं। क्या करते हैं? हमने किसी को उद्देश्य बना लिया और उस उद्देश्य के बाद फिर हमें क्या लगता है, हमें ये नहीं लगता हमारे पास क्या है, उसकी चिंता थोड़ी है भाई। जो पढ़ा है भाई, अमूमन सबके घर में, यहाँ पे एवरेज इंडियन मिडिल क्लास की बात कर लो तो 10,000 से 20,000 रुपए का सोना घर में ज्वेलरी के माध्यम से होता ही होता है, यस और नो? एवरेज। तो अगर सोना पिछले, सोना अगर 10% टूटा है तो मेरे 20,00,000 रुपए की वैल्यू 18,00,000 रह गई, कितने कैलकुलेट कर हम देखते भी नहीं। और अगर आपने 18,00,000-20,00,000 छोड़ो, अगर 2,000 या 20,000 में अगर म्यूचुअल फंड या शेयर में लगा रखे हैं, क्या बोले वो तो गिर गया और घबराहट चालू थी। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं आपको सैलरी देता हूँ 1,00,000 की जगह 3,00,000, कुछ नहीं करना,
तो तकलीफ ये उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं करने की तो काबिल ही नहीं, कुछ तो मैं करूँगा ही क्योंकि तो असाइनमेंट नहीं थे आपने ये कहा था। मैं कहता आप बैठे ही करती थी सिर्फ दस तेरे के छह पे सिर्फ चुपचाप बैठना है और इससे अच्छा क्या जवाब दे रहा हूँ मैं आपको एंड आई गारंटी यू 3 lakh rupees बट सी टाइम्स ऑफ व्हाट यू ड्रॉप कर आप नहीं कर सकते धीरे से की पर सोने में वो कर लेते हैं जमीन में वो कर लेते हैं चांदी में वो कर लेते हैं प्रॉपर्टी में कर लेते हैं एलआईसी में कर लेते हैं पर वो शेयर मार्केट में नहीं कर पाते। मैं शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने को नहीं बोल रहा, नाम उसको विक्रेता हूँ। आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर, आई एम टू मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट राइट वे फॉर पुश, दैट्स माई ऑब्जेक्टिव। तो मैं यहाँ किसी स्कीम को मैंने कोई एक स्कीम का नाम दिया आपको बता कि SBI टाटा रिलायंस HDFC सुंदरम उसका नाम लिया मैंने बिकॉज मैं विक्रेता बनकर नहीं आया हूँ आपके साथ। मैं यहाँ पे आपका सुचेतन बनकर आया हूँ कि आप लोग की प्लानिंग का जो फंडामेंटल बेसिस होता है उसकी थ्योरी गलत है, वो आपको ठीक करनी है। और जब तक उस मन मन स्थिति को ठीक नहीं करोगे, अपने परसेप्शन को ठीक नहीं करोगे, परसेप्शन को ठीक करने का एक ही अच्छा जब हम ध्यान करते हैं मान लीजिए तो सबसे पहले ध्यान करना पॉसिबल नहीं आसान नहीं होता एकदम, मतलब आपका मन विचलित जाएगा वो बोलेंगे कि एकदम आराम से फिर क्या होता है वो अगर ध्यान पे ध्यान मतलब ध्यान पे ध्यान को तो बोलेंगे ऐसा कोई सांस ऊपर जा रही है सांस नीचे आ रही है सांस ऊपर जा रही है सांस नीचे आ रही है उसी पे ध्यान केंद्रित करो। वो उस पर भी ध्यान केंद्रित कराना नहीं चाहते, आपको चाहते हैं कि आप कोई शांत चित्त से बैठे जाओ आराम से अपने अपने अंदर आत्मा में झांक कर देखो, इसीलिए बोले वो बोले सांस को देखो क्योंकि वो जानता है इंस्ट्रक्टर कि ये सामने वाला अगर इसको बोले कुछ मत सोचो जरूर सोचेगा। और मन तो इतना मन ऐसा कोई काम आप सोचो मैं नहीं सोचो सो नहीं सकता, हम ऐसा कोई पल नहीं है जब ना सोचे और ये वो लेवल कंडीशन में बहुत कुछ तो वो आपको किसी या नहीं बोलता किसी एक चीज को टक्कर देते रहो बस देखते जाओ देखते जाओ। तो आपको कोशिश करो केंद्रित करने की, हम अपने फोकस को केंद्रित। तो जब आप गोल्ड में डालते हो या कहीं और डालते हो या प्रॉपर्टी में डालते हो या LIC या कोई PPF कराते हो तो आप केंद्र करते हो खुश की पढ़ाई पर, डॉक्टर की एजुकेशन पर, डॉक्टर की शादी पर, अपने रिटायरमेंट पर, इस पर केंद्र करते हो। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में डालते हो या म्यूचुअल फंड में डालते हो तो आप कहाँ केंद्रित होते हो, स्कीम पर, वो मार्केट जो मूवमेंट कर रहा है उस पर आपका केंद्र बिंदु होता ही बहुत। इसीलिए हम घबराते इसलिए नहीं कि मार्केट डाउन है, घबराते इसलिए हमारा देखने का नजरिया राइट। सो नाउ लेट मी गो बैक टू म्यूचुअल फंड, आई हैव टू कंप्लीट सम टेक्निकलिटीज। म्यूचुअल फंड में दो तीन ऑप्शन होते हैं, एक होता है डिविडेंड ऑप्शन, एक होता है ग्रोथ ऑप्शन, ठीक है ना। डिविडेंड ऑप्शन होता है कि आपको टाइम टाइम पे जो कंपनी कुछ कमाती है वो आपको दे सके डिविडेंड दे रही है। 99% में एडवाइस करता हूँ लोगों को डिविडेंड ऑप्शन लेना ही नहीं चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट किया है आप अपने उस गोल के लिए, गोल क्योंकि अगले 10 साल बाद है तो अभी क्या करने की जरूरत। देखिए आपकी लाइफ में दो स्टेज में होते हो, एक होता है एक्यूमुलेशन स्टेज में, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में। आपकी लाइफ में दो स्टेज में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है, एक्यूमुलेशन स्टेज और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। तो जब मैं 30 साल से 50 साल में होता हूँ एक्यूमुलेशन स्टेज पर, मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मेरे को कमा के कौन दे रहा है, मेरे को कमा के नहीं मैं खुद दे रहा हूँ, मेरी सैलरी आती है तो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट की इनकम से कुछ नहीं चाहिए, यस और नो। तो मैं उस टाइम एक्यूमुलेशन स्टेज में हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में कब जाऊँगा इन्वेस्टमेंट में, जब मुझे इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड होना पड़ेगा, जब मुझे मेरी डॉक्टर की पढ़ाई या डॉक्टर की शादी करनी है या मुझे अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तब मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में हूँ। तो म्यूचुअल फंड में दो ऑप्शन होते हैं, एक्युमुलेशन स्टेज जिसको हम ग्रोथ ऑप्शन कहते हैं और डिफरेंट ऑप्शन जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। होता है कि आप पैसे आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे, आप लोगों को क्या लगता है यार कुछ आता रहता है तो आप चीज अच्छा लगता है तो डिफरेंट ऑप्शन दे दिया आपको। और तो जैसे भाई साल के साथ कुछ अगर आता रहेगा तो अच्छा लगेगा, असल आपकी उम्र क्या है 40, अब आप तो आज सैलरी से कमा रहे हो, आपको तो पैसा 15-20 हज़ार चाहिए तो आज आप लिखेगा करोगे बैंक पड़ा रहेगा और पता नहीं कमा लीजिए आपने लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया और उससे 500-700 रुपये 1000 रुपये आ गए तो आपको पता पड़ेगा बैंक में पैसे आए, पता पड़ेगा और वो खर्चों में लौट के ले जाए। आपने अपने खर्चे मान रखे थे कि 1 लाख की सैलरी 70,000 का खर्चा करता हूँ और वो भी अटैक वो भी खत्म हो जाए तो आपको वो डिफरेंट ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग ले लेते हैं अपनी मन स्थिति को देख कर म्यूचुअल फंड कई बार करते हैं। अच्छा दूसरी तकलीफ ये है जो जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना म्यूचुअल फंड के वो भी आपको वो काम करवाते हैं जिससे कि आपका मन बहला रहे,
आपको मन बहलता एडवाइजर का रोल होना चाहिए, वो काम नहीं करे जिससे कि आपका मन बहले, वो काम करे जिससे कि आपका चीज सही हो, वो करेगी जो आपको चाहिए या वो करे जो आपकी जरूरत है। क्या करना चाहिए भाई? जो जरूरत है, पर जो जरूरत की चीज होती है ना वो थोड़ी कठिन होती है, आसान होता है थोड़ा आसान होता। तो क्या आपको कई बार जो सेल्समैन होते हैं ना वो बोलते ये जरूरत है आपको, आपको लगे मेरे तो अच्छा कुछ आता ऐसा नहीं। दूसरा एक होता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। एनएवी क्या होता है? आप कई बार म्यूचुअल फंड में, आई एम श्योर यहां से निकलने के बाद मेरे घर में सब लोग म्यूचुअल फंड कुछ ना कुछ डालेंगे, और नहीं डालेंगे आप बताओ, और नहीं डालेगा वो आप बताओ, म्यूचुअल फंड सबने कुछ कुछ तो डालेंगे, सीखना शुरू करेंगे सर। चलो आप सर आप बताओ चलिए। तो बात ये है म्यूचुअल फंड में होता है एनएवी, एनएवी बेसिकली चलती की ट्रेन ये समझ लीजिए, चलती बस है। एनएवी को कई बार हम लोग ओवर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और बताया जाता है, भेजा जाता है कि एनएवी सस्ती है, एनएवी महंगी है, ये मिथ होती है जो कि एनएवी 10 रुपए है 15 रुपए तो सस्ती है और 100 रुपए 200 रुपए तो महंगी है, तो सस्ती है एनएवी वाले प्रोडक्ट ले लो, ये बताया जाएगा तो उस पे ये फेंकेगा। एनएवी क्या होती है? एनएवी नथिंग बट नेट एसेट वैल्यू, मतलब म्यूचुअल फंड के पास जितने भी एसेट्स हैं उसको वो डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। अब मैं अगर टेक्निकली जाता मैं आपको आपकी भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक बस का ड्राइवर हूँ या मैं बस का कंडक्टर हूँ, मान लीजिए ड्राइवर कुछ भी मान लीजिए, और मेरी बस में लोग चढ़ जाते हैं उतर जाते हैं, चढ़ जाते हैं उतर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, तो मेरी बस चलती रहती है और मुझे आपसे पर किलोमीटर चार्जेस करते हैं, पर किलोमीटर चार्जेस लेने हैं। तो अगर आप 10 किलोमीटर चलेंगे तो 20 रुपये में, और 20 किलोमीटर चलेंगे तो 40 रुपये, अज्यूम कीजिए 2 रुपये पर किलोमीटर चार्जेस, ठीक है। तो मेरे को अब आप चढ़े आप उतरे आप चढ़े आप उतरे, तो मुझे चढ़ने उतरने पे मुझे माइलोमीटर चेक करना पड़ेगा कि साहब आप कौन से माइलोमीटर पे चढ़े थे। माइलोमीटर चेक करूंगा ना कि भाई मान लीजिए 4828 पे था तो मैं, और आप उतरे कब 4828 पे, तो 10 किलोमीटर चले, तो माइलोमीटर चेक करूंगा आप कब चढ़े थे और माइलोमीटर चेक करूंगा आप कब उतरे थे। तो इसको मैं उस माइलोमीटर को मैं एनएवी कहता हूं। वो एनएवी सिर्फ इसलिए बनी है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए कब लोग चढ़े कब उतरे। अब उस माइलोमीटर से ये पता पड़ता है कि मैं ड्राइवर कैसा हूं, ये गाड़ी कैसी चलेगी, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड की एनएवी सिर्फ एक कैलकुलेशन पर्पस से बनाई गई है, लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है वो उसे मिससेल करती है कि जितनी एनएवी सस्ती होगी उतना आपको फायदा होगा, इसलिए आप कम एनएवी वाला प्रोडक्ट लो। देखिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कुछ उन चीजों से, वो चीजें जो आपको शायद गलत भी बताई जा सकती है, चीज बनी होती है लेकिन उसका फिर मिसयूटिलाइजेशन होता है उससे भी बचिएगा। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड लो एनएवी प्रोडक्ट या लो एनएवी इज अ गुड प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब इसमें मैं बात करता हूं एसआईपी, म्यूचुअल फंड में कंसेप्ट होता है एसआईपी, सबने सुना है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, क्या है कैन समवन एक्सप्लेन? सर मन इतना विचलित प्रवृत्ति का होता है कि उसको मनाने भी
आपकी एक 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 एग्जुबरेंस होती है, आज मैं पैसे को खर्च कर दूं, और खर्च करने में जो एक सुख मिलता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो मुझे सेविंग करने को फोर्स करेगा ही नहीं। तो मैं ये करता हूँ, अपने आप को उस प्रवृत्ति से बचाने के लिए एक फोर्स सेविंग डाल देता हूँ, इससे भी मैं बाहर महीने मेरे पैसे बच जाएंगे। Yes or no? Basically, SIP is nothing but doing something regularly. So you invest per month. आप अच्छा monthly क्यों बोलते हैं? क्योंकि monthly salary बनती है, monthly budget बनता है, काम सारे monthly basis पे रहते हैं, monthly basis पे काम करते हैं। तो मतलब monthly हमने saving करते हैं, ठीक है ना? अब अगर आप उस investment को SIP के माध्यम से दो जगह डालते हो, कहाँ पे? एक डालते हो ऐसे प्रोडक्ट, ये है आरडी, और एक ऐसा प्रोडक्ट है, दोनों कहां पर थे? हाँ जी, दोनों कहां पर थे? तो किस में डालोगे? ओहो, अच्छा मैं ये बोलता हूं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ए प्रोडक्ट है, और ये फ्लक्चुएटिंग लाइन ये बी प्रोडक्ट है, आप किस में डालोगे? ए में। हाँ जी, हाँ देखिए, जो 90% होता बोलना मत, क्योंकि आपको सब गलत मान है। अब प्रॉब्लम इनकी ये है कि कहें कि आपने फंसा दिया, मुझे भी लग रहा है डालना तो ए भी चाहिए है। हाँ जी, तो 90% क्या कह रही है, ए या बी? ए में डालना चाहिए सर, आप बताइए, आपकी बात पत्र की लगी है। हाँ जी, ए में डालेंगे। तो 90% जनता क्या कह रही है? ए में डालेंगे। मैं भाई थोड़ा उल्टा हूँ, मैं कह रहा हूँ बी में डालना चाहिए। क्यों क्यों डालना चाहिए बी में? क्योंकि ये फ्लक्चुएट हो रहा है। अब जो चीज फ्लक्चुएट हो रही है वो कैसे कमा के देंगे? बोलो वही तो कमा के देंगे। अब असेसमेंट करता हूँ कि मुझे मम्मी ने बोला, मम्मी नहीं आज की वाइफ होगी, तो मेरे मेरी वाइफ ने बोला कि जाके आलू ले आओ मार्केट से, ठीक है ना? तो मैं कितने किलो आलू लाया? मेरे को तो बोला कि 2 किलो आलू लाने, और आलू कितने रुपए किलो? मुझे 5 किलो आलू लाने, आलू कितने रुपए किलो है? 10 रुपए किलो आलू मान, और मैं 10 किलो आलू लाया, कितने का आए? अब मैं को अगले हफ्ते दोबारा भेजा गया, बोला आलू लाओ, तो मैं वापस से 10 किलो आलू लेके गया, और आलू 20 रुपए किलो हो गए, मेरे कितने रुपए लिए? 200। टोटल मैंने कितने आलू खरीदे? 20 किलो खरीदे ना, किलो कितने खरीदे? 20 किलो। हाँ जी, 20 किलो 20 किलो खरीदे, और अजी सॉरी 10 किलो आलू खरीदे, 10 रुपए के वापस 100 रुपए, 10 किलो 20 रुपए, 200 रुपए क्या है टोटल? कितने आलू खरीदे मैंने? 300 रुपए के 20 किलो। अजी 300 रुपए में 20 किलो के 300 रुपए 20 किलो हो गए ना, 20 किलो। इसको मैं थोड़ा सा क्लब करूंगा, मैं कुछ फिगर में कंफ्यूज हो गया, सॉरी आई कैन नॉट डिफरेंट थिंग। मैंने 100 रुपए ही लगाए, कितने रुपए लगाए? मैं तो 100 रुपए ही नहीं गया था, तो मुझे आप क्योंकि 20 रुपए आप तो कितने मिले? 5 किलो लाइक है, कितने हुए? तो कितने दिए मैंने? आलू कितने आए? एवरेज भाव क्या पड़ा? एक बार मैंने 10 रुपए किलो भाव किए, एक बार मैंने 20 रुपए किलो भाव किया, एवरेज भाव क्या पड़ा? कितना पड़ा? एवरेज भाव क्या हुआ? 200 डिवाइडेड बाय 15। तो एवरेज भाव तो 10 और 20 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज भाव तो हुआ 15 का, 15 रुपए। पर मेरे को कितना पड़ा? 13 रुपए। ऐसा क्यों हुआ? एवरेज भाव क्या था? 15 रुपए। एवरेज भाव 15 था, मैंने तो 100 रुपए डाले,
₹10 के 10 या 10 किलो खरीदे या 5 किलो खरीदे तो टोटल 15 किलो खरीदे 200 डिवाइड बाय 15 ₹13.33 हो गए यस और नो सो एवरेज भाव से भी नीचे मेरे भाव आ गए तो जब मैं एक फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्ट में पैसा लगा रहा हूं नाउ अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी वेल जब मैं इस फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्ट में पैसा लगा रहा हूं तो मैं क्या करता हूं उसको समझना This is how a fluctuating product is moving. तो मैं टुकड़ 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 ऐसे धीरे 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 पैसा लगा दिए Yes or no? मेरी एक एवरेज प्राइस निकल के आई ये तो एवरेज प्राइस हुई अब इस एवरेज प्राइस के नीचे मैंने 50% समय पैसा लगाया एवरेज प्राइस के नीचे मैंने 50 बार पैसा लगाऊंगा 100 बार लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एवरेज के नीचे 50 आएंगे और एवरेज के ऊपर 50 आएंगे यस और नो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है अब मैंने जब ज्यादा भाव पे पैसे लगाऊंगा तो मुझे चीजें कम मिलेंगी जब मैं ज्यादा भाव पे लगाऊंगा तो चीजें कम मिलेंगी सो दैट मींस एट मोर कॉस्ट आई एम बाइंग लेस यस और नो कंफ्यूजन है इसमें And at less price, I am buying more. Yes or no? तो मेरी जो average cost है, वो इससे बहुत नीचे आ गई। इसको कहते हैं weighted average cost. Or in other terms, rupee cost average. ये technical term है rupee cost average. तो जब आप SIP करते हो तो वो प्रोडक्ट फ्लक्चुएटिंग है उस फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्ट में आप धीरे 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 पैसा डाल रहे हो तो क्या होगा अगर वो फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्ट ऊपर की तरफ है फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्ट ऊपर की तरफ है तो समझदारी है पर अगर फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्ट नीचे की तरफ है तो बर्बाद हो जाओ आपको बात समझ में आ रही है अगर मान लो मैं इसको उल्टा कर दूं तो कैसे बना दूं कि ये है तब तो मैं बर्बाद तब तो आई मॉट इसको कहते हैं टेक्निकल टर्म में नेवर एवरेज अ सिंकिंग शिप ये कोई चीज डूब रही हो उसमें मत पैसा लगाओ तो समथिंग इज राइजिंग बट इज फ्लक्चुएटिंग इट डज नॉट मैटर ठीक है तो अब बिजनेस जो है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है सर आपको मालूम है आपको अगले महीने तनख्वाह कितनी मिलेगी यस और नो मुझे नहीं मालूम मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी मैं क्या हूं बिजनेस में आप किस में हैं अमूमन बिजनेस में सैलरी में सैलरी से 10 साल बाद ज्यादा कमाएगा कौन वाह अमूमन तो मैं वो सोचता था फिर तो आपने क्या किया अमूमन गॉट टू ठीक है तो अब मैं ये जानता हूं कि अगले 10 साल में बिजनेस में ज्यादा कमाएंगे मान रहे हो बात को तो मैं बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप कर लेता हूं तो आप क्या करो पार्टनरशिप में एक इक्विटी फंड को ले लो वो इक्विटी फंड आपके बिहाफ पे कई बिजनेस में लगा दे हो सकता है आशीष एकदम लगाओ पर कोई तो समझदार होगा बिजनेस चलाने वाला तो वो आशीष में भी लगाएगा वो उसमें भी लगाएगा वो उसमें भी लगाएगा अलग 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 बिजनेस में ऐसा लग जाएगा पर सारे बिजनेस डूबने वाले नहीं है अमूमन बिजनेस तो चलेगा कुछ तो मालिया बन जाएंगे लेकिन कुछ तो अंबानी बनेंगे ठीक है तो इस तरह इकोनॉमी